अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन जिससे आपको मिलते रहें स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस के अपडेट लगातार। आपका यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई भुगतान नहीं करना हो। हेलो गार्जियंस, कैसे हैं आप? अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू बचाव, इलाज और वैक्सीनेशन के बारे में। स्वाइन फ्लू से बचाव और इसका इलाज क्या है? स्वाइन फ्लू ना हो इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही सावधानी बरती जाए तो इस बीमारी के फैलने के चांस ना के बराबर होते हैं। जब भी खांसी या छींक आए रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के लिए मास्क या टिश्यू पेपर को ढक्कन वाले डस्टबिन में ही फेंकें। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। लोगों को मिलने पर हाथ मिलाने, गले लगने या चूमने से बचें। फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर फ्लू के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरों से 1 मीटर की दूरी पर रहें। फ्लू के लक्षण दिखने पर घर पर रहें, ऑफिस बाजार और स्कूल ना जाएं। बिना धुले हुए हाथों से आंख नाक या मुंह को छूने से परहेज करें और स्वाइन फ्लू से बचने के लिए डाइट कैसी हो यह भी ध्यान रखें, जैसे घर का ताजा बना खाना खाएं और पानी ज्यादा पिएं, ताजे फल हरी सब्जियां खाएं, मौसमी संतरा आलू बुखारा गोल्डन सेब तरबूज और अनार का सेवन करें, सभी तरह के दालें खा सकते हैं आप, नींबू पानी सोडा व शरबत दूध चाय सभी फलों के जूस मट्ठा व लस्सी भी ले सकते हैं, बासी खाना और काफी दिनों से फ्रिज में रखी हुई चीजें न खाएं, बाहर खाने से परहेज करें और स्वाइन फ्लू में मास्क का उपयोग कैसे करना है यह जानना बहुत ही जरूरी है स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए। मास्क पहनने की जरूरत सिर्फ उन्हें है जिन्हें स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई दे रहे हों। फ्लू के मरीजों या संदिग्ध मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को ही मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। भीड़ भरी जगहों मसलन सिनेमा हॉल या बाजार जाने से पहले सावधानी के लिए मास्क पहन लें। मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टर नर्स और हॉस्पिटल में काम करने वाले दूसरे स्टाफ को भी मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। एयर कंडीशन ट्रेनों या बसों में सफर करने वाले लोगों को एहतियातन मास्क पहन लेना चाहिए और मास्क कितनी देर काम करता है यह जानना बहुत ही जरूरी है। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए सामान्य मास्क कारगर नहीं होता जो बाजार में 2 से 3 रुपए में मिलता है, लेकिन 3 लेयर सर्जिकल मास्क को आप 4 घंटे तक और N95 मास्क को आप 8 घंटे तक लगाकर रख सकते हैं। ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क लगाने से वायरस 70 से 80% तक आपका बचाव कर सकता है और N95 से आप 95% तक H1N1 वायरस से बच सकते हैं। वायरस से बचाव में मास्क तभी कारगर होगा जब उसे सही ढंग से पहना जाए। जब भी मास्क पहने तब ऐसे बांधें कि मुंह और नाक पूरी तरह से ढक जाए क्योंकि वायरस साइड से भी अटैक कर सकते हैं। एक मास्क 4 से 6 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल न करें क्योंकि खुद की सांस से भी मास्क खराब हो सकता है। और मास्क को कैसे पहने यह जान लीजिए। सिर्फ ट्रिपल लेयर और N95 मास्क ही वायरस के बचाव में कारगर है। सिंगल लेयर मास्क की 20 परतें लगाकर भी आप बच नहीं सकते H1N1 वायरस के इन्फेक्शन से। मास्क न मिले तो मलमल के साफ कपड़े की 4 तहें बनाकर उसे नाक और मुंह पर बांधें। यह सस्ता व सुलभ साधन है H1N1 वायरस से बचने के लिए और मलमल के कपड़े को दोबारा धोकर भी आप मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि जब तक आपके आसपास कोई मरीज या संदिग्ध मरीज नहीं है तब तक मास्क ना लगाएं। अगर मास्क को सही तरीके से नष्ट ना किया जाए या उसका इस्तेमाल 1 से ज्यादा बार किया जाए तो स्वाइन फ्लू फैलने का खतरा ज्यादा हो जाता है। खांसी या जुखाम होने पर मास्क जरूर पहने। मास्क को बहुत ज्यादा टाइट पहनने से यह थूक के कारण गीला भी हो सकता है। अगर यात्रा के दौरान मास्क पहनना चाहें तो यह सुनिश्चित कर लें कि मास्क एकदम सूखा हो। अपने मास्क को बैग में रखें और अधिकतम 4 बार यूज करने के बाद इसे बदल दें। हमेशा 3 लेयर सर्जिकल मास्क और N95 मास्क का ही उपयोग करें। और अंत में स्वाइन फ्लू टीकाकरण क्या होता है? दरअसल स्वाइन फ्लू से बचने का सबसे आसान तरीका है स्वाइन फ्लू टीकाकरण। स्वाइन फ्लू के टीके 2 प्रकार के होते हैं,
पहला नेजल स्प्रे जो बहुत ही कारगर है, जिसे भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाती है, और दूसरा इंजेक्टेबल वैक्सीन है जो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। ये टीके साल में एक बार लगाए जाते हैं, 6 महीने से लेके 65 साल तक के उम्र के किसी भी व्यक्ति को यह टीके दिए जा सकते हैं। और अंत में बात पते की यह है कि स्वाइन फ्लू का टीका सिर्फ 1 साल तक आपकी रक्षा करता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष यह अपना स्ट्रेन बदल देता है और कंपनियां नए स्ट्रेन के H1N1 टीके बाजार में ले आती हैं। तो अगर आपने पहले स्वाइन फ्लू का टीकाकरण करा रखा है तो निश्चिंत होकर मत सो जाइए कि आपने पहले टीकाकरण करा रखा है। आपको प्रत्येक वर्ष स्वाइन फ्लू से बचने के लिए टीकाकरण कराना आवश्यक है। और कुछ कंपनियों के स्वाइन फ्लू के टीके गर्भवती महिलाओं को भी लगाए जा सकते हैं। इस बारे में आप अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके टीकाकरण करवा सकते हैं। और आपके स्वाइन फ्लू संबंधी कोई सवाल रह गए हों जिसको हमने इस वीडियो में नहीं कवर किया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आपको लगता हो कि यह जानकारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।